हजारों चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले आज हजारों चेहरों को रोता छोड़कर चले गए हैं। जी हां नाज़रीन इकराम, मंजूर हुसैन किरलू आज अपने तमाम चाहने वालों को रोता छोड़कर ये फ़ानी जहां से कूच कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, उनकी मौत पर जहां हर कोई अश्कबार है, वहीं पर उनकी बेटी का एक इंतहाई अफसोसनाक बयान भी सामने आया है। आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि उसकी छोटी बेटी ने उनकी मौत पर क्या कहा, तो वीडियो को मुकम्मल से वॉच करें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तमाम आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के अपडेट बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन इकराम, हमने जैसा कि कल आपको खबर दी थी कि अब्दुल हकीम की धरती के अजीम सपूत मंजूर हुसैन किरलू अब हम में मौजूद नहीं रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वह गुज़श्ता रात एक फंक्शन करके घर लौटे, तो घर लौटते ही अचानक उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हुई और दिल की तकलीफ इतनी गहरी थी कि वह संभल ना पाए और अचानक ही उनकी मौत हो गई। तो नाज़रीन इकराम, उनकी मौत पर उनकी बेटी का इंतहाई अफसोसनाक बयान भी सामने आया है। नाज़रीन इकराम, आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं अगर जिसका बाप चला जाए, जिसका साया हमसे जुदा हो जाए तो कितना बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं आज बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मेरे बाबा इस फ़ानी जहान से चले गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये दुख वाकई हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना बिछड़ जाए तो कितना दुख होता है। नाज़रीन, अगर आप उनके फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और उनकी मगफरत के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मंजूर हुसैन के लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।